अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शेफ अल्ताफ और आपके लिए लाया हूं बेहतरीन चूल्हे की रेसिपी, चूल्हे को क्लीन करने की रेसिपी। एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगा ये, देखिए इस तरीके से चमकाना है इसको। आज हम रेसिपी नहीं बना रहे, आज हम बना रहे हैं चूल्हे को। चूल्हा हमने सही करना है, बहुत जला हुआ है, काफ़ी टाइम से मैंने इसकी सफाई नहीं की। सबसे पहले ऊपर की प्लेट है उसको उठा लेना है और अंदर एक दो नट होते हैं, आपने उनको खोल लेना है। नट खोलने के बाद इसको हमने उठा ले, हो जाता है। ये प्लेट भी हम निकालेंगे यहाँ से, अगर आप एक्सपर्ट हैं निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, वरना जो हम मटेरियल बनाएंगे उससे ये भी साफ़ हो सकता है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे अभी नट जो है इनके खोल लूँगा। ये जो हमारा है लाइटर है तो ये भी इजी निकल जाता है। और ये देखें यहाँ पर, ये देखिए ये चीज़ें भी जली होती हैं। यहाँ पर ये जो लाइटर है ऐसे नहीं निकल सकता, तो इसके अंदर एक वायर होती है, ऐसे आपने खींच लेनी है। ये एक टप लिया है मैंने और उसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे हमारी जो प्लेटें जली हुई हैं। देखें कितना बुरा असर है इसका, एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगी ये। और ये जो लोहे की प्लेटें हैं ये नहीं डालेंगे, इनको धोने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे ये मेरे पास है केमिकल, ये लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि कास्टिक होता है, कास्टिक ड्राई होता है तो ये लिक्विड होता है। ये मार्केट में जहाँ पे सर्फ साबुन ये चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, तो ये वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। लिक्विड फॉर्म में कास्टिक चाहिए, अगर लिक्विड ना हो ड्राई मिल जाता है तो आपने वो ले लेना है। तो पहले यहाँ पे मैं इसको शामिल करूँगा, मैं इसमें डाल रहा हूँ एक कप। आपने सेफ्टी के लिए हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं, वरना ये बहुत ख़तरनाक होता है, आपके हाथ जला देगा। तो मैं यहाँ पर सेफ्टी के ग्लव्स नहीं पहने हुए, लेकिन मैं एहतियात से काम कर लूँगा। जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो ये देखें किस तरीके से इसका जला हुआपन उतर रहा है, पूरी जितनी मैल जमी हुई है सबको ऐसे खोल देगा। ये डालने के बाद तकरीबन हमने इसको 2 मिनट छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट इनफ होगा। 2 मिनट के बाद आपने पानी लेना है भर के, ये जो हमारा पानी है गर्म नहीं है, ठंडा पानी, इसको फुल कर देना है, पानी में डूबनी चाहिए। ये देखिए तकरीबन इसको मैंने अभी 5 मिनट हुए छोड़े हुए, और ये देखिए कितना गंदा पानी हो चुका है, और तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका पानी हम ये फेंक देंगे, नया पानी डालेंगे फ्रेश। फ्रेश पानी डालने के बाद तो ये देखें सबसे गंदा यही है, और एक ब्रश चाहिए हमें, आपने इसको मसलना है ऐसे बाद। ये देखिए यहाँ से उतरना शुरू हो गया, ऐसे ही मसलेंगे। यहाँ पे देखिए धोने के बाद मैंने अच्छे तरीके से साफ़ पानी में डाल के रख दिया है आपको, मैंने कहा दिखा दूँ यहाँ पे। ये देखें कितना क्लीन हो चुका है, और ये हमारी प्लेटें, ये भी देखिए कितनी भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे प्लेट फिट करनी है जैसे हमने निकाली थी, इसके ऊपर यूँ ही रख देंगे, और उसके बाद बड़े साइज़ के जो नट थे वो हमने लगाने हैं। लाइटर लेना है, सीधा वायर में ऐसे ही अंदर चिपका देंगे और वायर को वापस डाल देंगे यहाँ पे। ये हमारा लाइटर, इसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे लाइटर जो है इधर डालेंगे, और इसके ऊपर फिक्स करके यहाँ पे दो नट बोल्ट लगाएंगे, और ये टॉप पे हमारा चूल्हा। अब इसको ऑन करके देखते हैं, ये देखिए ज़बरदस्त फ्लेम चालू हो गया, देख लें एकदम ब्रांड न्यू हो रहा है, चमक आ रहा है, चमक देखें आप इसकी कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अगर आप लोगों को ये चूल्हा साफ़ करने की रेसिपी और तरीकाकार अच्छा लगा है तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, सेफ्टी ग्लव पहन के आपने इसको बनाना है। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए ओके अल्लाह।